हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। आदर्श विद्यालय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब्जेक्ट में आर्ट्स और साइंस में वैकेंसी आई है। सैलरी यहां पर 45,000 तक आप लोगों को मिलेगी। बीएड आपने किया है, डीएलएड आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीटेट टेट की आवश्यकता नहीं है। ना कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर मेरिट तैयार होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, ऑल इंडिया में जितनी भी वैकेंसी रिलीज होंगी, चाहे वह सर्व शिक्षा अभियान की हो, कस्तूरबा गांधी की हो या आदर्श विद्यालय स्कूल की हो, तो सभी स्टेट की जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जितने भी वीडियो बनते हैं आप लोगों को सूचना समय पर मिल पाएगी। यहाँ पर प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है? 7 हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स में, आर्ट्स में सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसकी 13 वैकेंसी है, यहाँ कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस की 2 हैं, आर्ट्स में ग्रेजुएट टीचर की यानी टीजीटी की 29 है, साइंस में 19 है। यहाँ पर ग्रेजुएट टीचर हिंदी में 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट टीचर पीआरटी के लिए यहाँ आर्ट्स की 14 हैं, उसके अलावा साइंस में यहाँ पर 16 है। कुल मिलाकर यहाँ पर 103 जो है वो वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स जो है चाहिए और बीएड चाहिए, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए यदि आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्ट्स में, अगर आर्ट्स के लिए कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, 55% मार्क्स के साथ जो है आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, साथ में बीएड आपने किया हो। इसी तरीके से साइंस के लिए है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर 100 मार्क्स के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एमए, आपके एमए एमएससी में जो है 100 मार्क्स के बेस पर, बीए बीएससी में 100 मार्क्स के बेस पर, और इसके अलावा जो है वो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल में 100 मार्क्स पर, और बीएड में आपके कितने आए हैं तो वह भी 100 मार्क के परसेंटेज के ऊपर निकाला जाएगा। यानी 400 मार्क्स पर आपके कितनी परसेंटेज बनी है आपकी 12th में, ग्रेजुएशन में, एमए में और बीएड में, इस बेस पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो ग्रेजुएट जो टीचर हैं उनके लिए होगा, चाहे आर्ट्स और साइंस में है, 55% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए आर्ट्स में या साइंस में, और साथ में जो है वो बीएड मांगा गया है। अभी हम देख लेते हैं वैकेंसी जो है वो कहाँ से रिलीज हुई है, क्योंकि जितने भी स्टेट में जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो फटाफट से बना देती हूँ कि कहीं डेट न निकल जाए। ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर आदर्श विद्यालय संगठन असम, तो ये वैकेंसी जो है वो असम से आई हुई है। यहाँ लिखा है एडवर्टीजमेंट नोटिस 29 जुलाई का, द आदर्श विद्यालय संगठन असम इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है असम की, dte.assam.government.in, यहीं पर जो है वो जाकर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। असिस्टेंट टीचर की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी पीआरटी के लिए, तो यहाँ पर आर्ट्स ग्रेजुएट में आपके 50% मार्क्स और साथ में डीलेड, ठीक है। और साइंस वालों के लिए अगर आप साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट इन साइंस और डीलेड यहाँ पर कहा गया है। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जो है वही रहने वाला है, 100 मार्क्स जो है वो आपके बीए बीएससी बीकॉम में, 100 मार्क्स आपके हायर सेकेंडरी में, और 100 मार्क्स जो है वो आपके डीलेड, ठीक है। यानी 300 में से आपने जो है कितने मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं इन तीनों क्वालिफिकेशन में, वो आपके यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ उम्र की बात, तो 18 साल से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को सबमिट कराने होंगे, विल बी वेरीफाई अलॉन्ग विद द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल बाय द, यानी कि आपके 10th के बाद के अब तक के जितने भी मार्कशीट हैं, बाय द स्टेट ऑफिस ऑफ आदर्श विद्यालय संगठन असम, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आप लोगों को वहां पर जाना होगा। यहाँ लिखा है रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है। कोई भी किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्योरली यहाँ पर मेरिट बेस पर जो है वो सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को एप्लीकेशन जब फॉर्म आप भरेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, कैसे करना है, तो यहाँ कलर्ड स्कैन कर लेने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फॉर्मेट में उनको चेंज कर लेना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, और खुद के जो है वो साइन उस पर कर लेने हैं। एप्लीकेशन फीस भी जो है यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर आप देखें प्रिंसिपल के लिए 500 रुपये है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 350 है, ग्रेजुएट के लिए 200 है, और असिस्टेंट टीचर के लिए 150 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो इसकी जो ऑनलाइन करने के लिए जो इसकी मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन में ही ऊपर दी गई है dte.assam.government.in, तो मैं आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ।
तो यहाँ पर जो है देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को जितनी भी वैकेंसी है वो दिखाती हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ असम की जो है वो मेन ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो, यहाँ क्लिक लिखा है, इसके नीचे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हो आदर्श विद्यालय संगठन असम, ठीक है। ये आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। अप्लाई ऑनलाइन आप करेंगे तो आपको यहाँ क्लिक करना है प्रिंसिपल के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट टीचर के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो अभी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है इन्होंने 3 अगस्त जो है बताई है कि 3 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो यहाँ पर, चाहे आप प्रिंसिपल के लिए भर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भर रहे हो। यहाँ पर जो है लास्ट डेट जो है इन्होंने मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी लास्ट डेट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे ही जो है किसी भी स्टेट की जो ऐसी जो एडवर्टीजमेंट आती हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।